आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा को कहता है कि वह इतने लंबे समय के बाद बरखा और अंकुश से मिलकर खुश है। अनुपमा कहती है कि वह समझती है कि वह उसके साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने परिवार को याद कर रहा था। अनुज अनुपमा से सहमत है और कहते हैं कि अब परिवार पूरा हो गया है। परितोष लड़के को पाखी से बात करते हुए देखता है और आग बबूला हो जाता है। बरखा अनुपमा और अनुज को खाना परोसती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि अगर उसे बरखा का बना खाना पसंद नहीं है तो वह उसके लिए कुछ और पकाएगा। अनुपमा कहती है कि अगर वह नए स्वाद की कोशिश नहीं करेगी तो उन्हें उनके बारे में कैसे पता चलेगा। अनुपमा प्रभावित हो जाती है। बरखा मुस्कुराती है। जीके आते हैं। अनुपमा और अनुज जीके को देखकर खुश हो जाते हैं। अंकुश और बरखा चिढ़ जाते हैं। अनुपमा और अनुज जीके से उनके साथ खाना खाने को कहते हैं। जीके ने मना कर दिया और उन्हें आनंद लेने के लिए कहा। अंकुश और बरखा जीके को नजरअंदाज करते हैं। बरखा अनुज और अनुपमा से उनकी पहली मुलाकात के बारे में बताने के लिए कहती है। अंकुश यह बताने के लिए कहता है कि उन्हें एक दूसरे के बारे में क्या पसंद है। अनुपमा और अनुज कहते हैं कि अगर वे एक दूसरे के बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो पूरी रात चली जाएगी। बरखा और अंकुश एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। बरखा अनुज से कहती है कि घर को रेनोवेशन की जरूरत है। वह इंटीरियर करने के लिए उत्साहित हो जाती है। अनुज बरखा से कहता है कि वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे अनुपमा से अनुमति लेनी होगी क्योंकि वह घर की मालिक है। अंकुश और बरखा चौंक गए। अनुपमा बरखा से कहती है कि अनुज मजाक कर रहा है क्योंकि घर परिवार से बनता है। वह बरखा से कहती है कि वह जो चाहे कर सकती है। अनुज अनुपमा को नई चीजें सीखने के लिए बरखा के आसपास रहने के लिए कहता है। समर वहां लड़की से बात करता है। दोनों यह जानकर खुश हो जाते हैं कि उन्हें डांस करना पसंद है। इस बीच पारितोष पाखी को चिढ़ाने के लिए आदिक से लड़ता है। पाखी अधिक का बचाव करती है और परितोष को बताती है कि आदिक उसकी मदद कर रहा था। परितोष पाखी से पूछता है कि क्या वह उसे पहले नहीं बता सकती। वह माफी मांगता है और आदिक को धन्यवाद देता है। बाद में वनराज को पाखी, परितोष और समर की चिंता होती है। हसमुख ने वनराज को चिंता न करने के लिए कहा। वनराज कहते हैं कि अनुपमा चली गई और काव्या जा रही है। वह हसमुख के साथ साझा करता है कि उसे चिंता है कि क्या उसके बच्चे भी उससे दूर हो जाएंगे। लीला किंजल की देखभाल करती है। पाखी और आदिक आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाद में अंकुश और बरखा अनुज और अनुपमा को बताते हैं कि उन्होंने भारत में बसने के लिए अपना अमेरिकी कारोबार बंद कर दिया है। वे दोनों अनुज और अनुपमा को बताते हैं कि वे अलग घर की तलाश में हैं। अनुज और अनुपमा अंकुश और बरखा को उनके साथ रहने के लिए मना लेते हैं। अंकुश और बरखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। परितोष समर और पाखी शाह के साथ लड़ाई के बारे में छिपाते हैं। समर यह जानकर दंग रह जाता है कि वनराज ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वहां अनुपमा और अनुज यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है। बरखा ने अंकुश से अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा। अनुज और अनुपमा बरखा की बात सुनकर चौंक जाते हैं।